जबा से वापसी करते हुए जनाब, अब हम लोग गैबन जबा से वापसी कर रहे हैं और अब हम लोगों का ट्रैक कलाम वैली की तरफ है। आप देख सकते हैं कि खूबसूरत नज़ारे हैं जिनका हम लोगों ने भरपूर इंजॉय किया है, ज़बरदस्त किस्म की गैदरिंग को इंजॉय किया है, हेल्थी इन्वायरमेंट को इंजॉय किया है और फर्स्ट टाइम इस ट्रैक को हम लोगों ने ट्रैवल किया है। ज़बरदस्त किस्म का ज़िगज़ैग ट्रैक है और ईद का तीसरा दिन भरपूर इंजॉय तरीके के साथ जनाब गुजारा गया। वुडन ब्रिज विजिटर्स देख सकते हैं अभी भी आ रहे हैं, ये वो हैं जो यहाँ पे नाइट स्टे करने का मेंशन करके आए हैं और बहुत सारे वो हैं जो अर्ली मॉर्निंग आ गए थे और अब वो वापसी की तैयारी पकड़ रहे हैं। इन ठाठे मारते पानी को अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने भी इंजॉय किया। पंचकी बनाई हुई है जनाब, इससे बिजली पैदा की जा रही है, देखें आप जबरदस्त नजारे हैं, ठंडा यख पस्ता पानी है। खूबसूरत वैली, फिर आना चाहिए एक मरतबा यहाँ पर। बर्फीले पहाड़ जब पास हों तो ठंडक का अंदाजा आप खुद ही कर सकते हैं कैसा होगा। ज़िगज़ैग ट्रैक, क्या बात है जनाब, खूबसूरत वैली, खूबसूरत वैली को एंजॉय करते हुए। पूरा दिन स्पेंड करने के लिए बेहतरीन आइडियल स्पॉट है। कैंपिंग की हुई है लोगों ने जनाब यहाँ पे, ईद का तीसरा दिन भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट डे भी ऑफ डे है यहाँ पर, संडे फ्राइडे ऑफ होता है यहाँ पर, तो लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करते हुए, ईद की हॉलीडेज को भरपूर एंजॉय करते हुए। लैंड स्लाइडिंग का कुछ मामला पेश आया या कोई हादसा पेश आया? बिल्कुल, लैंड स्लाइडिंग हुई है, नहीं ट्रक का कोई हादसा पेश आया। आप देख सकते हैं कि ये वाकया जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रक ब्लॉक है और ये सारा लगेज अब समेटा जा रहा है और ये शायद किसी घर का था इशू, घर का सामान लग रहा है। ये देख सकते हैं आप जनाब, बाजारी सूरत हाल से तो लग रहा है कि सारे मामला ठीक है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बस ट्रक उल्टा है। अल्लाह ताला आज के इस ईद के दिन में सबको अपनी गुमान में रखे, बाकी दिनों में भी रखे। और कलाम रोड के ऊपर रश देख सकते हैं लोगों का, रश किस तरह का है, वाह, टाइम को एंजॉय।
एंजॉय करते हुए, गैदरिंग को एंजॉय करते हुए, मौसम को एंजॉय करते हुए, हमारा यारा दोजख और हमारा यारा जन्नत वाली बात है। यहाँ पर ईद के समा को भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा रहा है। हर कोई अपनी अपनी बैठक लगा के बैठा हुआ है, अपनी गाड़ी के पीछे या गाड़ी के आगे। देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं कि कलाम का रोड भी बन चुका है और स्कर्दू का ट्रैक भी बिल्कुल रेडी है ट्रैवल करने के लिए। तो कलाम रोड पे तो मैं आपको खुद आके दिखा भी रहा हूं, तो इंशाल्लाह ताला वक्त मिला तो स्कर्दू रोड भी मैं खुद से आपको रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों मामला कुछ इस तरह का तय पाया है कि कलाम का मामला फिर पेंडिंग हो गया है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये अब हम लोगों ने रिटर्न कर लिया गाड़ी दोबारा से जनाब, तो नेक्स्ट प्लान सेट करते हैं थोड़ा सा इस रश से निकल कर, फिर सोचते हैं कि आगे का प्लान क्या है। तो कलाम से हम तकरीबन आप कह रहे हैं कि 20-22 किलोमीटर के फासले पे रह गए थे, तो 20-22 किलोमीटर से पहले ही अच्छी खासी हवा में उनकी ठंड छंड थी। कमाल के नज़ारे, कमाल के नज़ारे, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम बेलियो सजना और मित्रों, कैसे हैं आप सबके सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे और खुश होंगे जनाब। तो जनाब इस टाइम हम लोग
कलाम वैली के बिल्कुल पास हैं। रात यहाँ पर कलाम में रश होने की वजह से, ईद का रश होने की वजह से रोड सारा स्टक हो गया था, जिसकी वजह से आप कह लें कि हम कलाम वैली के अंदर नहीं जा सके। वहाँ पे आप कह लें कि हमें होटल ना मिलना, रोड्स के ऊपर ही टाइम स्पेंड करना, और होटलिंग चार्ट होने की वजह से यहाँ पर ही हम लोगों ने फिर गाड़ी और खैमे का अरेंज किया, जो खुद से साथ लेके आए थे हम खैमा। वहाँ पे हमने परमिशन लेके आप कहने के जनाब किसी की रेजिडेंस के प्रेमिसेस के अंदर ही खैमा इंस्टॉल किया, और वहाँ पे जो है ना आप कह रहे के नाइट स्पेंड की। तो ये गाड़ी के अंदर की हालत है, और ये पैर खेमा लगा के बैठे हैं, आप देखें। दोस्तों ने हेवे में नाइट स्पेंड की और कुछ ने गाड़ी में टाइम स्पेंड किया है नाइट का। तो ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा, ठाठे मारता जनाब दरियाए कलाम, और सूरज पहाड़ की दूसरी ओर से निकलता हुआ। मौसम आज क्लियर है, सुबह सुबह हवा में ठंडक है, और खूबसूरत मॉर्निंग के साथ जनाब ये हैं जी खोखो टूरिज्म ग्रुप के जी अफराद। ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी खड़ी है, नीचे दरिया चल रहा है, बहुत प्यारी जगह है। ये कलाम रोड है, कलाम से कोई 20-25 किलोमीटर पीछे, और ये इन्होंने देखे ये गाड़ी खड़ी की हुई है, तो पीछे इनका कैंप भी लगा हुआ है। ये देखे जी इन्होंने कैंप लगाया अपना, सामने दरिया। ये जी कामरान साहब हैं जी, ये कामरान साहब आ रहे हैं। ये रात को इन्होंने इधर स्टे किया गाड़ी में और कैंप लगाया अपना। ये जनाब कलाम वैली के पास ज़बरदस्त किस्म का फूल के ऊपर सुबह सुबह शहद की मक्खी आई हुई है जनाब,
जो फूलों के रस को एंजॉय कर रही है।